आईपीसी, आईपीसी आई थी 1860 में, 2 साल के बाद ही आईपीसी लेकर के आए थे, और वैसे काउंसिल एक्ट आए थे, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो ये 1861 में आया पहला, दूसरा आया 1892 में, 1892 में, और फिर तीसरा आया 1909 में। इसी को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, रिफॉर्म। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 का, और फिर 1935 का, और लास्टली इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। कब आया था? ये आया था 1947 में। तो ये इन सभी में जो चीजें आई थी, वो कहीं ना कहीं हमारे राइट्स को, हमारे लिमिटेशंस को, हमारे ड्यूटीज को, इन सभी चीजों को डिफाइन कर रही थी, और ये सारी चीजें हमें एक तरीके से हैबिट में डाल रही थी कि आगे आने वाला जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, उसमें जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसकी हैबिट भी बनेगी। रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में रहना, हम इन इन सभी एक्ट के थ्रू हम सीख रहे थे। पहले भी थे, बट पहले का रूल डिफरेंट था, बहुत ही डिफरेंट था। ठीक है, हाँ, तानाशाही, डिक्टेटरशिप, ठीक है, किंगशिप, डायनेस्टिक, आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है, बट ये था कि एक यूनिफॉर्म जो था वो नहीं था। अब इन एक्ट्स में सभी को एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी दिखाई गई, वो एक अलग बात है कि किस एक्ट की क्या खासियत है और क्या बुराइयां हैं, कौन सा एक्ट ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिशियल है और कौन सा इंडियंस के लिए, बट ये तो तय था कि एक एक्ट आया है, एक सेट ऑफ रूल आया है, जिसके अंडर में हम सभी को फॉलो करना है। और आईपीसी तो आज भी चलता है कि नहीं है? आईपीसी आज भी चलता है। आपको जान के हैरानी होगी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870 में आ गया था, जो भ्रूण हत्या जो रोकने वाली बात थी, वो तो अभी तक चल रहा है। अब बहुत सारा, अब तो टेस्टिंग वेस्टिंग के रूप ऊपर में बना बैन कर दिया ना, वैसे था ये पहले भी। 1927 में फॉरेस्ट एक्ट भी आया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आती है। ठीक है, तो आई थिंक कि क्लियरिटी है थोड़ा बहुत। ये जो बैकग्राउंड है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। ठीक है, तो काफी कुछ क्लियरिटी है। ठीक है, और यही है, दैट्स ऑल। और आगे वाले सेशन में रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, उसके बाद हम एक्ट्स को लेकर के अब शुरू करेंगे। थैंक यू। स्लाइड कर दो।